दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को बड़ा झटका देते हुए हरफनमौला खिलाड़ी पॉल डुमिनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि वनडे और टी20 में वे अपना करियर जारी रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के बाद डुमिनी को दक्षिण अफ्रीका की टीम से हटा दिया गया था। उन्होंने अब संन्यास के बाद क्रिकेट के सीमित ओवरों की मैचेस यानी कि वनडे क्रिकेट और टी20 पर ध्यान देने का फैसला किया है। अपने एक बयान में डुमिनी ने कहा, लंबे और गहन विचार विमर्श के बाद मैंने प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास का फैसला किया है। मैंने 46 टेस्ट मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाया। इस अनुभव का कोई स्थान नहीं ले सकता और मैं जीवन भर इसे याद रखूंगा। अपने अब तक के करियर में खेले गए 46 टेस्ट मैचों में डुमिनी ने 2103 रन बनाए और 42 विकेट भी हासिल किए। आपको बता दें कि साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डुमिनी ने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था और अपने पहले ही मैच में अर्धशतक लगाकर डुमिनी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और क्रिकेट के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।